चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अब बचा कुछ नहीं, अब संघर्ष बचा है। संघर्ष, यहाँ की जमीन तो बिल्कुल ठीक कह रहे, बच रही नहीं, कोई बच की तो वह किसी काम की नहीं रहने की। यहाँ तो आवाज छुड़ेगी और गांव के लोग बट्टे चुबारे पर देखो जाएंगे, गाड़ी गई गाड़ी जा रही, आने जाना आना जाना। यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ के अधिकारियों से LIU इंटेलिजेंस के लोग होंगे। देखो मुद्दे देश में बहुत आएंगे, अभी ये आंदोलनों की शुरुआत हुई है, क्योंकि सरकारों की बहुत सी पॉलिसी आएगी, वो जमीन अधिग्रहण की आएगी, बिजली अमेंडमेंट बिल की आएगी, जो कानून इन्होंने कहा था कि जब आंदोलन चला कि हम उसको लेकर नहीं आएंगे वो लेकर आ रहे हैं, सीड बिल की आएगी जो बीच कानून आने वाला है, दूध पॉलिसी आएगी कि बाहर की कंपनियां यहां पे 22 रुपए लीटर तक एग्रीमेंट कर रही कि हम गांव में 22 रुपए लीटर दूध बेच देंगे। अगर बाहर की कंपनी 22 रुपए लीटर दूध बेचेगी तो हमारे तो पशु गए भाई, 22 लीटर 22 रुपए तो हमें भैंस का नहीं पड़ता, वे कौन सा दूध पियावेंगे। उनका मकसद ये है कि एक बार बेच के जब पूरा पशुधन खत्म हो जाएगा उसके बाद में मनमाने रेट पर हम अपना दूध बेचेंगे, अपने कोल्ड ड्रिंक बेचेंगे, ये उनके फार्मूले हैं। अभी कल भी एक टीवी चैनल जो सबसे ज्यादा बेचता था NDTV वो बिक गया, कल भी एक उम्मीद सी थी तो वो उम्मीद भी खत्म होगी। अब बचा कुछ नहीं, अब संघर्ष बचा है। संघर्ष, संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत इशू आएंगे, बहुत मुद्दे आएंगे। सरकार ये जमीन छीनना चाहती है, बैंकों को प्राइवेट करना चाहती है। जब बैंक प्राइवेट हो जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड भी उनके पास चला जाएगा और वे फिर कहेंगे कि भाई क्रेडिट कार्ड दे दो, क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जमीन दे दो। उनके गुंडे आएंगे, गुंडे घरों पे, और वह ऐसे नहीं कि सबके पास आएंगे, वे गांव में से छांट छांट के। कर्जबंद तो हर आदमी है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने कर्जा नहीं ले रखा। हमने भी 17-18 लाख रुपए लेकर उसमें किसान भवन में लगा रखे, हम भी कर्जबंद हैं। जब जब हम हो सके तो फिर सब हो सके, सबने ले रखा, कोई आदमी नहीं के कर्जा ना हो किसी में। वे कहेंगे भाई पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो प्यार से भाई उस हिस्से की जमीन दे दो, तो आदमी चुपचाप उसके बेनामा करेगा। उनका जमीन छीनने का ये षड्यंत्र है, मेनली ये है कि आपकी जमीनों पे नजरे हैं। ये हाईवे निकलेगा, इसके मुआवजे की बात है, नाली की बात है, आंदोलन हमारा चल रहा, वो आपको मुआवजा भी देंगे, नाली भी काट देंगे, लेकिन जो बराबर के खेत वाला है उसका क्या होगा। 200 मीटर का भी कर देंगे, 200 मीटर तक कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी वे नहीं कर सकता कोई भी आदमी। ये नए रूल आ गए, पहले था हाईवे पर आ गए भाई, चाय की दुकान खोल लेंगे, पंचर की दुकान खोल लेंगे, अब उसका लाइसेंस लेंगे, कुछ भी कोई करना होगा, जैसे पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिलता है ऐसे उसका लाइसेंस मिलेगा, तो हाईवे भी खत्म हो गए। अब इस शामली क्षेत्र में बहुत से हाईवे निकलेंगे, यहां को यहां की जमीन तो बिल्कुल ठीक कह रहे, बच रही नहीं, कोई बच की तो वह किसी काम की नहीं रहने की। यहां तो आवाज छुड़ेगी और गांव के लोग बट्टे चुबारे पर देखो जाएंगे, गाड़ी गई गाड़ी जा रही, आने जाना आना जाना, गए गए सुनेगी, अब और कुछ नहीं सुनेगी। और जो कुछ पैसे होंगे वे खा पटका लेंगे, इतने इतने गाड़ी ले लेंगे, एक आधा ट्रैक्टर ले लेगा, कोई गाड़ी ले लेंगे, कुछ तेल तपटे में चले जाएंगे, जब तक सोच बनेगी वो खर्च हो जाएगा। तो भाई आंदोलन पे ध्यान रखो, यहाँ की कमेटियों पे विश्वास रखो। आज भी कुछ पता चला कि कुछ रोड़ा रुका हुआ यहाँ, और वो रोड़ा रुका हुआ तो चाहिए दो आदमी में हो किसी भी इशू पे, लेकिन ये आज ही आपस में होगा किसानों का जी। और बाद एक तो टीकरी जो उधर के थे 50 ट्रैक्टर में चले गए,
कुछ उधर के उधर चले गए, इधर के कुछ इधर चले गए, और प्रशासन कल का लग रहा था परसों ये टिकट सावता हो नहीं, ये प्रचार पर लगी रहे थे। तो हमने जहां कह दिया भाई हम तो आवेंगे, आप लड़ो भिड़ो तो होना, ना हमें बैनर का कुछ है, किसका बैनर है, क्या है, जो लड़ाई लड़ रहा वो किसानों की लड़ाई लड़ रहा, इन्हें हिला लेने दो। ये सब हिलाए बछड़ो है, कहां कहां है भाई, कहां है ये रे सारे, इन्हें हिला लग रहे। ये बहुत आंदोलनकारी बहुत दिन में तैयार होता है, बहुत मेहनत लगती है, अपने घर बार छोड़ता है, उसको बहुत झंझट पैदा होते हैं, और उसके बाद में अगर 100 लोगों पर काम करते हैं तो एक आंदोलनकारी निकलता है। ये तो आंदोलनकारी है जो इस पूरी टीम को चला रहे, इतना बड़ा सिस्टम जोड़कर चलाया, तो ये सारे आंदोलनकारी हैं, इन्हें हर कदम कदम पे पूछते रहे ये कि मंच किधर लगना। हमने बताया मंच लगाना सड़क से दूसरी तरफ, सड़क की तरफ मंच पे बैठने वालों का मुंह रहना चाहिए, सूरज की किरणें पब्लिक की पीठ पर लगनी चाहिए, अगर पब्लिक की आंख पर लगेगी तो पब्लिक भाग जाएगी, अगर किरणें सूरज की धूप मंच के चेहरे पर लगेगी तो मंच पे भीड़ कम होगी, नेता उठ के जाएगा नहीं। तो ये सारी सलाह इनको दी, इन्होंने मान ली, बहुत बढ़िया मंच लगा, बढ़िया प्रोग्राम करा आपने, आंदोलन होंगे, आंदोलन की शुरुआत है, अभी आंदोलन शुरू नहीं हुए, 35 साल बाद में इन धरती पे आंदोलन शुरू हो रहे हैं। ये कुड़ाने वाले पुल, ये पूरा जो मलकू का क्षेत्र पड़ता था पूरी दोनों बैंड, इसी में तो पूरा खुटारा भेजा था जब करमू खेड़ी पे गए, ये वही तो क्षेत्र है। उन चीजों को 35 साल हो गए, 35 साल में पूरी एक पीढ़ी चली जाती है, जिन लोगों की उम्र उस टाइम पे बुजुर्ग थे, 60-70 साल की उम्र थी, जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी, वे हमारे बीच में नहीं रहे, जिनकी उम्र उस टाइम पे 30-35-40 साल थी, वे 60-70-80 साल हो गए। प्रकाश बंडेले वाला उनका लड़का है, वो भी बूढ़ा हो लिया, इसने तो आंदोलन देखा ही नहीं, अभी लड़ाई लड़ी नहीं, अभी तो प्रकाश ने लड़ी। जो टिकैत साहब के साथ के लोग थे वे बहुत तो चले गए, बहुत लाइन में है, या नई पीढ़ी है, इसको सिखाना पड़ेगा, और आंदोलन नहीं सीखेंगे तो ये जमीन जाएगी। राड है क्या, फंस गया मामला, मामला फंस गया, तो इस नई जो युवा वर्ग है इसको आंदोलन के तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे। यह आंदोलन बढ़िया चल रहा, यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ के अधिकारियों से LIU इंटेलिजेंस के लोग होंगे, जो यहाँ की कमेटी है उनसे, आज नहीं कि आज हम आज ही प्रस्ताव कर रहे सब ना, उनसे बैठा कर बुलवाकर कमेटी के लोगों से भी हम कहते हैं कि आप बातचीत भी अधिकारियों से, यहाँ के पीढ़ी से अपनी बातचीत भी शुरू करें, बातचीत अपनी मजबूती से रखो। दूसरा ये है कि जो किसान दिक्कत क्या होगी, दिक्कत किसानों में भी आएगी भाई, दिक्कत पहले मामला ये था कि जिसकी जमीन जा रही, हमने कहा था कि फिजिकल रूप से जिसकी जमीन जा रही है मुआवजा उसी को दे दो, वो आंदोलन बढ़िया लड़ता था, एक रेट एक प्रोजेक्ट का हमारा कॉन्सेप्ट था, वो चला कुछ दिन, सरकार ने सोचा ये उड़ जाएगा मामला, उसने पूरा खसरा नंबर दे दिया। अब जिसकी जमीन यहां पर जा रही, जमीन तो इसकी जा रही, और मुआवजा यहां से उस वाले को भी मिल रहा, पड़ने वाले को वो बताता ही नहीं, वो उसके खाते में आए जेब में गैर, और वो चुपचाप अपना बैठ जा, उसे ये भी नहीं गया कितना मिल रहा। हमने उसको भी कहा भाई लड़ाई लड़ ले सबको ठीक मिलेगा, अगर लड़ाई लड़ लोगे सारे तो ठीक मिलेगा, सड़क इनको निकालनी है तो कम से कम पैसे तो ले लो ठीक। जो कट की बात रही, अंडरलाइन पानी जाने की बात रही, सर्विस रोड की बात है, ये सारी चीजें होंगे, आप शांति बनाए रखना, किसी को चुनाव उनाव लड़ना भाई मंच पर ना लड़ा चुनाव, आप ना उंगे तिंगे लड़ लो, इसे मंच को मंच रहने दो, इसे भूमि अधिकार निकाय रहने दो मंच, और ना इसमें फेल कुछ करो तो हमारी जीत हो जाएगी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे
एक हाई टेंशन लाइनें भी निकल रही यहां से, उसमें भी मुआवजा कम दे रहे, तो भनेड़े में गुबली गड्ढी गढ़ के आए हुए हैं यहां पे, और जगह गुबली गड्ढी है, जगह जगह को निकलेगी, तो उसका भी भाई उसके कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, तमिलनाडु में कोर्ट से ऑर्डर भी करवा रखे वो भी है, और 5-6 लाख रुपए 8 लाख रुपए तक एक टावर के वे दे देते हैं, लेने वाला चाहिए, उसके नीचे को जो जहां को तार जाएंगे वहां का भी मुआवजा है, लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसकी, यानी कि मैं लड़ाई तो मैं लड़ू ना, ये क्रोध वाले लड़ाई लड़ ले और पैसा मिल जाए बाजू वालों को, ऐसा नहीं होगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपनी। तो अपनी बातचीत को रखो, आपकी बढ़िया मीटिंग यहाँ पे हुई आज, सक्सेसफुल मीटिंग हुई, अपने धरने को चालू रखो, शांतिपूर्ण तरीके से रखो, और भाई कुछ इन्हें खर्चा पानी भी दे देख रहे हो कुछ, ये कभी खाम खा अपनी जमीन पमीन का जितना मुआवजा हुए, ये सारे जो लड़के लग रहे हैं मुआवजे वाला इसी में ही खोते सारा, इन्हें कुछ करवा भी दिया करो भाई इनको, हाँ खर्चा भी है भाई, सारा खर्चा हो, बिना खर्चे के कुछ नहीं चलता, कहते हैं सुख ही मान दो इनको, तो एक कमेटी बना दियो, जो कुछ खर्चा पानी आवे उसका हिसाब किताब रखना, सबको अपना दे देना, भाई इतना आया इतना खर्च हो गया, तो कोई ये नहीं कहना का जी मैं देगा था मेरा हिसाब किताब लिखा नहीं, जो देगा उसका लिख ले करो, बता दे करो, जो करने वाले है ना खर्चा उसका ज्यादा हो जाए घर तो लगाने पड़े उसको, तो इन चीजों का आप ध्यान रखो, अधिकारियों से बातचीत करो, आपकी मीटिंग शांतिपूर्ण सक्सेसफुल हुई, जब तक बारिश नहीं आती, जो हमारे और लोग रह रहे हमारे जो सामा रहे इनको और बुलवाओ, बारिश हो तो रही, लेकिन वह बनेडे को रूंगे को जा रही, ये फुटराड़े से पूरी तरफ जा रही, अभी सुनते रहियो, अभी बैठ जाओ और सुन लो, अभी हमारे जो साहब रह रहे उनकी बात सुन लियो, वह फुटराड़े से पूरे को चले गए बारिश, तो यहाँ तो शांति है, अभी सुन लो और लोगों की, आपका धन्यवाद भाई सब लोगों का, जय हिंद जय भारत, आओ भाई इन्हें बुलवाओ, अभी बारिश नहीं आ रही, बुलवाओ।